काफ़ी जो गाड़ी क्या डिमांड क्या है वहाँ पे वही बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमें बुर्का लगा के निकलना पड़ता है, हम निकल नहीं पा रहे तिलक लगा के। ये इनके मुंह से नहीं निकल रहा है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे अब जो ये इशारेबाजी कर रहे हैं। तो डिमांड फिलहाल वहाँ पे ये है कि हमें अगर यहाँ पे रखना है कश्मीर में तो कोई सिक्योर लोकेशन दें जहाँ पे हम सेफ्टी फील कर सकें। देखिए बॉर्डर के बाहर आप सिक्योरिटी लगा दीजिए, लेकिन बाहर तो बंदे को फील्ड पे काम करने के लिए जाना होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ है? तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इनको या तो जम्मू में रिलोकेट करके यहाँ पे जॉब दे दीजिए, बस डिमांड यही है। लेकिन फिर बात यह है कि अभी हम कश्मीर से आ रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर 20-25 के आसपास है, यहाँ आती हमारी स्किन चला रही है। हम जो वहाँ से निकाले गए हैं हमें बाहर कब तक रहना पड़ेगा? बर्दाश्त के बाहर है ये सरकारी कर्मचारी थे और ये वहाँ कश्मीर घाटी में कार्यरत थे, और ये जो दो महिलाएं हैं जिनसे हमने बात की, ये उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले में कार्यरत थी और वहाँ पर सरकारी नौकरी कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है उसके कारण इनके मन में भय उत्पन्न हो गया है, और जो कुछ ये सामान अपने साथ ला सकते थे इन बैगों में वो पैक करके लाए हैं और ये अब जम्मू पहुँच चुके हैं। और अब इनके मन में ये सुकून है, जान को अब कोई ख़तरा नहीं है, और इनका कहना है कि जान है तो जहान है, क्योंकि इस समय ये कश्मीर से लौट कर आए हैं, अभी यहाँ जम्मू आए हैं, जाना है अपने निजी कामों के लिए जाना है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इनका कहना था कि घाटी में इस समय काफ़ी खौफ का माहौल है, स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, और बारह